अच्छी बात है, यहाँ निधि आए, कहना ये है हम लोग आशाओं का वेतन वेतन दे, वेतन नहीं हम लोगों का मिला। जो बनाएगा उसी को वोट देंगे। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जो देगा सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। अगर आप युवा हैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं? यस यस, इस सरकार में सबसे बढ़िया है कि कोई जैसे कि पैसों से लगते थे वो नहीं लगते, आप पढ़ेंगे तभी आप लगेंगे। भारत न्यूज चैनल में मैं हूं आपका दोस्त दानिश। आज जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी का कन्नौज दौरा है, चलिए हम आज योगी आदित्यनाथ जी का कन्नौज दौरा है, लगभग 352 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाओं का शिलान्यास और उसकी घोषणा करेंगे। चलिए यहाँ की जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। कहाँ से आई हैं मैम? कहाँ से आई हैं? इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ से आज योगी जी आ रहे हैं, कितना आए मैम, क्या दौरा ये? बहुत खुशी की बात है सर, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, महिलाओं को भी सम्मानित करेंगे? जी सम्मानित करेंगे। कहाँ से आ रही हैं? इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ से आप कहाँ से आ रही हैं? इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ से महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, कहाँ से आई हैं मैम? इंद्रगढ़। क्या कहना चाहेंगी योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है कन्नौज? अच्छी बात है, आए कहना ये है हम लोग आशाओं का वेतन वेतन दे, वेतन नहीं हम लोगों का मिला। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए भाई? गुरसाहेगंज से। आज योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है, लगभग 352 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, क्या कुछ कहना है इस पर? बहुत ही बढ़िया है, ये मोदी जी से सरकार बनाएंगे 2024 में, बहुत अच्छा काम चल रहा है और मंदिर भी बना है उनकी सरकार में, बहुत ही अच्छा, जनता बहुत ही खुश है। जो जनता बनाएगा उसी को वोट देंगे। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जो देगा सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। लोग कहते नहीं मिल रहा, हमें कहता मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लोग कहते हैं विरोधी पार्टी नहीं मिल रहा है, मैं कहता हूँ हर चीज मिल रही है सरकार में। क्या कर आप युवा हैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं? यस यस, इस सरकार में सबसे बढ़िया है कि कोई जैसे कि पैसों से लगते थे वो नहीं लगते, आप पढ़ेंगे तभी आप लगेंगे, आप हुनर होंगे आप लगेंगे, पढ़ेंगे। लगभग योगी जी का जो हेलीकॉप्टर है चौपर है वो स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, लगभग हेलीपैड लगभग थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कन्नौज की सरजमी पे उतरेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज कन्नौज में माननीय सांसद जी के पिता जी के पास में पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले मैं माननीय सांसद जी एक यादगार दिवस के रूप में जय जय देखते हुए सभी के साथ अभिनंदन स्वागत अभिवादन स्वीकार करते हुए परमाचरणीय श्री यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों के साथ और आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा बस कुछ ही लम्हों के पश्चात आपके कन्नौज वासियों को